बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ डिबेंचर्स पर, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, अगर हम लोग बच्चों बात कर रहे हैं टाइप ऑफ डिबेंचर्स पे, तो देखिए डिबेंचर की क्लासिफिकेशन किस तरीके से की गई। सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कौन सा डिबेंचर सिक्योर है। तो बच्चों इस ग्राउंड पर दो तरह का डिबेंचर होता है, एक को हम लोग कहते हैं सिक्योर डिबेंचर, दूसरा होता है बच्चों अनसिक्योर डिबेंचर। समझे बच्चों, ऑन द ग्राउंड ऑफ सिक्योरिटी अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो डिबेंचर दो तरीके का होगा, एक सिक्योर डिबेंचर, दूसरा बच्चों अनसिक्योर डिबेंचर। बच्चों सिक्योर डिबेंचर को ही हम लोग मॉर्गेज डिबेंचर भी कहते हैं, मॉर्गेज डिबेंचर। ओके अच्छा सर एक बात बताइए, जब कोई डिबेंचर सिक्योर्ड है तो उसको हम लोग मॉर्गेज डिबेंचर भी कहते हैं, क्यों? क्या कोई एसेट्स उस पर सिक्योर कर दिया गया है? बिल्कुल। अच्छा सिक्योरिटी के ग्राउंड पे दो हुआ बच्चों, एक तो हम लोगों ने पढ़ा सिक्योर्ड, दूसरा पढ़ा अनसिक्योर्ड। अच्छा अनसिक्योर्ड का एक और नाम भी है बच्चों, नेकेड डिबेंचर। बच्चों अगर हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेन्योर ऑफ रिडम्पशन, टेन्योर के ग्राउंड पर बच्चों, मतलब टाइम पीरियड के ग्राउंड पर, तो डिबेंचर हमारा दो तरीके का होगा, रिडीमेबल डिबेंचर और इरिडीमेबल डिबेंचर। एक कहलाता है बच्चों रिडीमेबल और दूसरा इरिडीमेबल। गॉट द पॉइंट? अच्छा अगर बच्चों हम लोग नेक्स्ट डिफरेंस को स्टडी करते हैं पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मोड ऑफ रिडम्पशन के ग्राउंड पर, तो ये कहलाएगा कन्वर्टिबल डिबेंचर बच्चों और नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। अभी वेट कीजिएगा बच्चों, अभी हम लोग इसके बारे में भी वन बाय वन पढ़ेंगे कि ये क्या है, पहले इतना समझ लेते हैं। अगर बच्चों हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओपन रेट के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे, डिफरेंस को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आपको दो तरीके का मिलेगा, जीरो कूपन रेट डिबेंचर, एक होता है बच्चों जीरो कूपन रेट डिबेंचर, जीरो कूपन रेट डिबेंचर, और दूसरा हमारा हो जाता है बच्चों स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर। अब ये दो तरह का होता है बच्चों, फिक्स्ड और फ्लोटिंग, आगे हम आपको बताएंगे। तो दूसरा हमारा हो जाएगा स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर। और बच्चों अगर हम फिफ्थ डिफरेंस पे आए पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो डिबेंचर आपका आपको दो तरह का मिलेगा बच्चों, एक रजिस्टर्ड डिबेंचर कहलाता है और दूसरा बियरर डिबेंचर कहलाता है, रजिस्टर्ड डिबेंचर और बियरर डिबेंचर। अब हम लोग चलेंगे बच्चों फर्दर वन बाय वन सभी टॉपिक को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं बच्चों, सर सिक्योर डिबेंचर क्या होता है, किसको हम लोग सिक्योर डिबेंचर कहते हैं? सिंपल समझिएगा बच्चों, बहुत इजी है। कहता है कि सच डिबेंचर आर सिक्योर बाय आइदर द फिक्स्ड चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ अ कंपनी। कहने का मतलब बच्चों कि अगर कंपनी किसी डिबेंचर होल्डर को रिपेमेंट नहीं कर पाएगी तो वो प्रॉमिस कर रही है कि वो बेचकर एसेट सेल कर रिपेमेंट कर देगी, इसलिए हम लोग इसको सिक्योर डिबेंचर कहते हैं। एक डिबेंचर बच्चों अनसिक्योर डिबेंचर होता है जिस पर किसी भी तरह के कोई एसेट्स चार्ज नहीं किए जाते हैं। अगर कंपनी फाइनेंशियली कैपेबल नहीं होगी रिपेमेंट करने में तो वो एसेट्स बेचकर रिपेमेंट नहीं करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर रिडीमेबल डिबेंचर क्या है और इरिडीमेबल डिबेंचर क्या है? देखिए बच्चों कहता है कि सच डिबेंचर आर रिपेएबल बाय द कंपनी एट एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड।
बच्चों वैसा डिबेंचर जो एक सर्टेन टाइम के बाद किसी खास दिन किसी स्पेसिफिक डेट को कंपनी आपके पैसे वापस कर देगी, रिडीम कर देगी, रिपे कर देगी बच्चों, चाहे ये एक बार में पेमेंट कर दे या इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दे। ऐसे डिबेंचर को हम रिडीमेबल डिबेंचर कहते हैं। सिंपल बच्चों, आप ऐसे समझ सकते हो, जब किसी डिबेंचर पे कंपनी प्रॉमिस करती है कि हम स्पेसिफिक डेट को एक सर्टेन डेट को आपके पैसे रिटर्न कर देंगे, वापस कर देंगे, ये डिबेंचर आपका रिडीमेबल कहलाता है। लेकिन बच्चों वैसा डिबेंचर जिस पर लाइफ टाइम आपके पैसे रिपे नहीं किए जाएंगे, वापस नहीं किए जाएंगे, जब तक कि कंपनी लिक्विडेट ना हो जाए बच्चों, जब तक कि कंपनी बंद होने की कगार पे ना हो जाए, तो ऐसे डिबेंचर को हम लोग इरिडीमेबल कहते हैं बच्चों। कंपनी कभी पैसा वापस ही नहीं करना चाहती। तीसरा बच्चों, हमने पढ़ा था रजिस्टर्ड डिबेंचर और बियरर डिबेंचर। बच्चों जो रजिस्टर्ड डिबेंचर होते हैं वो आप किसी को भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। कहने का मतलब बच्चों कि सच डिबेंचर आर रजिस्टर्ड इन द कंपनीज रिकॉर्ड इन द होल्डर्स नेम। मतलब बच्चों आप किसी को भी ट्रांसफर ऐसे ही नहीं कर सकते हो, आपको उसके लिए लीगल प्रोसेस करना होगा क्योंकि उस डिबेंचर पे आपका नाम मेंशन किया हुआ है। मतलब अगर ऐसे डिबेंचर को ट्रांसफर करना हो तो एग्जीक्यूशन डीड ट्रांसफर करना पड़ेगा। लेकिन जो बियरर डिबेंचर होते हैं बच्चों वो इजिली ट्रांसफरेबल है। समझे, आप अगर किसी को उठाकर दे दिए, आपने जिसके हाथ में दे दिया ये उसका हो गया। कहने का मतलब बच्चों कि होल्डर का उस पर नाम मेंशन नहीं होता है, डिबेंचर होल्डर के नेम मेंशन नहीं होते हैं बच्चों, ये बियरर इन नेचर है, जिसको दे दिया जाए उसका हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ऐसे डिबेंचर को हम लोग बियरर डिबेंचर कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया बच्चों एक स्पेसिफिक कूपन रेट और एक जीरो कूपन रेट बॉन्ड या डिबेंचर के बारे में। देखिए बच्चों, जो स्पेसिफिक होता है इसके बारे में कहा गया है कि सच डिबेंचर आर इशूड विद द स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट। बच्चों जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो स्पेसिफाइड है, खास है, फिक्स है, पहले से तय है। कहता है बच्चों दिस रेट मे बी आइदर फिक्स्ड और फ्लोटिंग। बच्चों जब आप इश्यू करते हो तो स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, लेकिन बच्चों ये टाइम टू टाइम बाद में बदलेगा। कहता है इफ इट इज फ्लोटिंग रेट इट इज यूजुअली लिंक्ड विद द बैंक रेट। लेकिन एक होता है बच्चों जीरो कूपन बॉन्ड यानी कि जीरो कूपन रेट डिबेंचर, जिसको हम लोग कहते हैं कि सच डिबेंचर डू नॉट कैरी स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट। बच्चों इस पर कोई खास रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। They are issued at substantial discount. बच्चों ये pre-discounted rate पर issue होता है। कहने का मतलब बच्चों कि difference between face value and issue price is total amount of interest related to duration of debenture. आप नहीं समझ पाए होंगे, सुनिए बच्चों, एक debenture है जिसका face value 100 rupees है और अगर कंपनी इसको 60 rupees में issue कर रही है बच्चों, तो ये जो difference है 40 रुपीस का, इसी को इंटरेस्ट माना जाता है बच्चों जीरो कूपन रेट डिबेंचर में। ये जो डिफरेंस होता है दोनों रेट में बच्चों, इश्यू प्राइस और फेस वैल्यू के बीच, उसी को इंटरेस्ट माना गया है जीरो कूपन रेट डिबेंचर में। एक होता है बच्चों हमारा कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल, आइए इसको भी बता देते हैं आपको। बच्चों जो कन्वर्टेबल डिबेंचर है वो इजिली कन्वर्ट कर दिए जाते हैं शेयर्स में। कहता है बच्चों सच डिबेंचर आर कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स। लेकिन बच्चों जो नॉन कन्वर्टेबल होते हैं, सच डिबेंचर आर नॉट कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स। बच्चों ये शेयर्स में कन्वर्टेबल नहीं है दूर दूर तक। तो ये बच्चों ओवरऑल डिफरेंस रहा जो अभी हम लोगों ने देखा टॉपिक में पढ़ा। एनी इश्यू बच्चों यहां तक, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? नो सर। सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। यस सर। सर को सर। ओके सर। ओके।
ओके सर।